किससे सियासत के। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम किससे सियासत के में आपका बहुत स्वागत है। आज किससे सियासत के इस एपिसोड में बात करेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शुरुआत कैसे हुई और आरएसएस की स्थापना किसने की। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 22 जून 1897 को होती है। इस तारीख को रानी विक्टोरिया की ताजपोशी की 60वीं सालगिरह थी, लेकिन 8 साल का एक बच्चा शांत और दुखी था। उस बालक ने समारोह में हिस्सा नहीं लिया और घर लौट आया। घर पहुंचकर मिठाई फेंकी और एक कोने में जाकर बैठ गया। बड़े भाई ने पूछा, केशव क्या तुम्हें मिठाई नहीं मिली? जवाब आया, मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे भोसले खानदान को खत्म कर दिया है, हम इनके समारोह में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। उस 8 साल के बच्चे का नाम था डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी। तो कौन थे डॉक्टर हेडगेवार और कैसे हुई आरएसएस की स्थापना, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हेडगेवार परिवार मूल रूप से तेलंगाना के कांडकुर्ती गांव का रहने वाला था, लेकिन 1 अप्रैल 1889 को जब केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ तो वो नागपुर में बसा था। उन्हें आगे चलकर डॉक्टर भी कहा गया। साल 1925 में संघ की नींव रखने वाले डॉक्टर हेडगेवार का जन्म बलिराम पंत हेडगेवार और रेवती के घर हुआ। परिवार कोई खास समृद्ध नहीं था। जब केशव 13 वर्ष के थे तो प्लेग की वजह से उनके माता पिता का निधन हो गया। उनके बड़े भाई महादेव पंत और सीताराम पंत ने उनकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखा। ऐसा बताया जाता है कि जब वो पुणे में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तो वंदे मातरम गाने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया था, क्योंकि ऐसा करना ब्रिटिश सरकार के सर्कुलर का उल्लंघन था। मैट्रिक के बाद उन्हें साल 1910 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए कलकत्ता भेजा गया था। साल 1914 में परीक्षा देने के बाद साल भर की अप्रेंटिसशिप की और साल 1915 में वो डॉक्टर के रूप में नागपुर लौट आए। संघ के मुताबिक शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए या अपना अस्पताल खोलकर पैसा कमाने के लिए वे डॉक्टर बने ही नहीं थे। भारत की स्वतंत्रता यही उनके जीवन का लक्ष्य था। उस लक्ष्य का विचार करते करते उनके ध्यान में स्वतंत्रता हासिल करने हेतु क्रांतिकारी क्रिया रीतियों की मर्यादाएँ ध्यान में आई। 2-4 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या होने के कारण अंग्रेज यहाँ से भागने वाले नहीं थे, तो किसी भी बड़े आंदोलन की सफलता के लिए व्यापक जन समर्थन की आवश्यकता होती है। क्रांतिकारियों की क्रियाकलापों में उसका अभाव था। सामान्य जनता में जब तक स्वतंत्रता की प्रखर चाह निर्माण नहीं होती तब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, और मिली तो भी टिकेगी नहीं। ये बात अब उनके मन पर अंकित हो गई थी। नागपुर लौटने के बाद गहन विचार कर थोड़े ही समय में उन्होंने उस क्रियाविधि से अपने को दूर किया और कांग्रेस के जन आंदोलन में पूरी ताकत से शामिल हुए। ये साल था 1916। लोकमान्य तिलक जी मंडाले का 6 साल का कारावास समाप्त कर मुक्त हो चुके थे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, उनकी इस घोषणा से जनमानस में चेतना की और एक प्रबल लहर का निर्माण हुआ। तो अब बात करते हैं कि संघ की स्थापना कैसे हुई। डॉक्टर हेडगेवार अंग्रेज सरकार के खिलाफ उग्र भाषण भी देने लगे थे। अंग्रेज सरकार ने उन पर भाषण बंदी का नियम लागू किया, किंतु डॉक्टर जी ने उसे माना नहीं और अपना भाषण क्रम चालू ही रखा। फिर अंग्रेज सरकार ने उन पर मामला दर्ज किया और उनके 1 साल की कारावास की सजा सुनाई। 12 जुलाई 1922 को कारगृह से वो मुक्त हुए, जिसके बाद 1925 में विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना की। साल 1936 में इसकी महिला इकाई बनाई गई। उनके शुरुआती अनुयायियों में भैयाजी दानी, बाबा साहेब आपटे, बाला साहेब देवरस और मधुरकर राव भागवत थे। संघ की नींव महाराष्ट्र के नागपुर में रखी गई थी। धीरे धीरे इसका नाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में होने लगा था। डॉक्टर हेडगेवार ने दूसरे प्रांतों का दौरा कर अपने उद्देश्य को लेकर कई भाषण दिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने स्वयं सेवकों को काशी और लखनऊ तक भेजा ताकि संघ के लक्ष्यों की जानकारी वहां तक पहुंचाई जा सके और साथ ही वहां शाखाएं लगाई जा सके। आलोचकों का कहना है कि 1925 में संघ की नींव रखने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने उसे ब्रिटिश विरोधी आंदोलन से दूर रखने का फैसला किया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संघ की शाखा के जरिए राष्ट्रीय भक्तों की फौज खड़ी की थी। उन्होंने व्यक्ति की क्षमताओं को उभारने के लिए नए तौर तरीके विकसित किए थे। इन्होंने सारी जिंदगी लोगों को यही बताने का प्रयास किया कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नई तरीकों से काम करना पड़ेगा, स्वयं को बदलना होगा, पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। उनकी सोच युवाओं के व्यक्तित्व, बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास कर उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाती है।
फिलहाल किस्से सियासत के इस एपिसोड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।